हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुहतदी अली खान। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, मैं गिलगित पहुंचा हूँ, जैसे कि आपको पता है। तो मैं आज अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक अच्छे दोस्त हैं कॉलेज के टाइम से, तो गिलगित आया हूँ, तो उनसे मिलने भी जाना है। तो उनके लिए मैं एक गिफ्ट पे लाया हूँ इस्लामाबाद से, ठीक है। तो उनको ये चीज़ पसंद थी, तो उनको पता नहीं है कि मैं उनको गिफ्ट देने जा रहा हूँ। इट विल बी अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर हिम। सो चलते हैं जी। थैंक यू मीज। जी, असल में इन दिनों गिलगित में कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो रास्तों का भी मसला है। तो अभी देखना पड़ेगा कि हमें किस रास्ते से जाना है, ठीक है। तो अभी ये था कि गिलगित में जो है ना, रोड्स की वजह से मैं जिस रूटीन वाले रूट से जाता था, वो रूट अभी बंद है। तो एक दूसरा रूट है, तो मैं उधर से जो है जाऊँगा। तो आगे मिलते हैं जी। ये जी आर्मी पब्लिक स्कूल है और बॉर्डर चौक कहते हैं इसको, ठीक है। और ये गिलगित का आर्मी पब्लिक स्कूल है। जी, अभी हम दनियोर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड तो मेरा जो है वो ना दनियोर में रहता है, लेकिन दनियोर में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर भी जो है ना प्रोटेस्ट है। तो इस रास्ते से मैं ये करूँगा कि जो है मैं निकलूँगा, ये जो है ना जुल्फ़िकार आबाद का एरिया है। जुल्फ़िकार आबाद के एरिए से नीचे से पुल है, पुल से मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जाऊँगा, यूनिवर्सिटी से फिर मैं नीचे, यूनिवर्सिटी पार्क कहते हैं, यूनिवर्सिटी पार्क जाऊँगा। और मेरे जो फ्रेंड है वो ओल्ड दनियोर ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज जिसे ब्रेनो ब्रिज कहा जाता है, तो जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था तहसील ब्रेनो साहब ने, जो है जो कि मेरे जो है ना हमारी फैमिली के ही हैं, जो कि एक इंजीनियर हुआ करते थे। तो वहाँ पे मैं जाऊँगा। तो मेरा जो फ्रेंड है वो ओल्ड दनियोर पुल से, सस्पेंशन ब्रिज से इस तरफ आ जाएगा कैयू पार्क में, भी कैयू पार्क में जाऊँगा और वो हम वहाँ पे एक दूसरों से जो है ना मुलाकात करेंगे। तो ये जो है ना गाइस पुल आ गया है, जो कि कनेक्ट करता है कोनादास और जुल्फ़िकार आबाद को, दनियोर को, ठीक है ना जी। तो चलते हैं जी आगे, फिर मिलते हैं। यहाँ से अगर आप राइट होते हैं तो ये रास्ता दनियोर की तरफ जाता है, ठीक है। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप कोनादास ये रास्ता निकलता है, फिर कैयू यूनिवर्सिटी की तरफ भी जो है ना, कैयू की तरफ या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ भी ये रास्ता जाता है। फिर आगे आगा खान हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर भी जाता है, और एक न्यू ब्रिज बना है सुल्तानाबाद का, वहाँ पर भी जो है ना ये रास्ता जाता है। तो चलते हैं जी आगे। मुझे अभी वापस जाना पड़ा है, ठीक है। शुरू में हमारी बात कैयू पार्क में मिलने की हुई थी, तो अब मेरे जो दोस्त हैं वो किसी दूसरे रास्ते से आए हैं, तो अब हम दोबारा जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे, उसी रास्ते से हम दोबारा वापस जा रहे हैं जी। अच्छा गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि कैयू पार्क जाएंगे हम, लेकिन कैयू पार्क तो हम नहीं जा सके, प्लान चेंज हो गया और हम आ गए जी ब्रेनो फार्म से। तो तुफैल अब्बास मौजूद है मेरे साथ, मेरे दोस्त जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। तो और इसका गिफ्ट भी मैं लाया हूँ, तो अब इसको देते हैं जी गिफ्ट। ये छोटा सा गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ भाई, कबूल कीजिएगा। फिर घर जाकर खोल दें, बेशक अभी खोल दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो क्या घर जाके खोल देंगे? चले घर जाके खोल दें, ठीक है जी। तो ये ब्रेनो फार्म है जी, ये गिलगित का दरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये जी दरियाए गिलगित है, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त मौसम है। वो पुल है जी मैं जिसका आपको बता रहा था अभी, जहाँ से हमने जाना था कैयू पार्क, वो वाली पुल वो इधर है, और ये गिलगित रिवर है, और ये जी ब्रेनो फार्म है जी, ठीक है।
हमारी चाय आ गई है जी। चाय और फ्रेंच फ्राइज और समोसे हमने मंगवाए हैं, तो ऐसा है कि अब हम इनको खा लेते हैं। खा लेने के बाद खाली प्लेट्स आपको दिखाएंगे और आप क्या कर सकते हैं। और आपने भी इस तरह ज़बरदस्त मौसम के साथ, दरिया साथ में बह रहा है, ज़बरदस्त ठंडी हवा आ रही है, अगर आपने भी जो है इंजॉय करना है तो आप आ सकते हैं जी ब्रेनो फार्म्स और आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि वेट करें, हम चाय पी लेते हैं और एक खाने के बाद फिर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो जी हमने चाय भी पी लिया, बहुत मज़ा आया, चिप्स भी खा लिए, समोसे भी खा लिए, बहुत ही मज़ेदार थे जी। तो प्लेट्स खाली हो गए हैं और ये जी है तुफैल अब्बास, ठीक है। पहले मेरा व्लॉग यहीं पेंड होता है, ठीक है जी, ब्रेनो फार्म्स पर। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो तुफैल की जानिब से भी अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी नए व्लॉग के साथ किसी नए डेस्टिनेशन पर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।